दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी कॉन्फिडो टैबलेट के बारे में। आप लोगों ने उस वीडियो के अंदर देखा कि कॉन्फिडो टैबलेट किस किस काम में आती है। आज हम एक और हिमालया कंपनी की दवाई के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्पीमन टैबलेट। स्पीमन टैबलेट किस काम में आती है, क्या इसके फंक्शन है, क्या इसके इंग्रीडियंट हैं और ये कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इस बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुमित बिश्नोई, फार्मासिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमित द फार्मासिस्ट। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, स्पीमन टैबलेट हिमालया कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसकी कीमत ₹145 है। इसको लेने का तरीका जो है वो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को खाना खाने के बाद में गुनगुने पानी के साथ में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि स्पीमन टैबलेट किन किन चीज़ों के अंदर काम आती है। तो सबसे पहले ये दवाई काम आती है लो लिबिडो में। लो लिबिडो का मतलब होता है कि कामेक्षा की कमी होना, यानी कि आपको काम क्रिया करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कमी आ रही है, तो उसको लो लिबिडो बोलते हैं। लो लिबिडो के कई कारण हो सकते हैं। अल्कोहल के कारण हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण हो सकता है, कैंसर के कारण हो सकता है, आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हो उसके कारण हो सकता है, या फिर कोई आपको डिप्रेशन या कोई दिमागी कोई प्रॉब्लम है उसके कारण भी आपको ये स्थिति हो सकती है। दूसरी जो दिक्कत आती है वो आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपके लिंग की तरफ जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से नहीं जा पाता है, उसके कारण आपको दिक्कत महसूस होती है। तीसरा होता है प्री मैच्योर इंजेकुलेशन, यानी कि आपको यौन क्रिया के दौरान आप जल्दी संकलन हो जाते हैं या जल्दी आपका जो है वीर्य निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर इंजेकुलेशन। उसमें भी स्पीमन टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। चौथा जो चीज़ है वो आती है आपका इम्पोटेंसी, यानी कि नपुंसकता। नपुंसकता से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को इससे जो है उनकी मैरिड लाइफ भी ख़राब हो रही है और उनका जो शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। तो इसको भी दूर करने के लिए स्पीमन टैबलेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। अब बात करते हैं कि इस दवाई के क्या क्या घटक हैं, इसके कौन कौन सी औषधियाँ इसके अंदर मिलाई गई। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी औषधियाँ हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य औषधियाँ हैं उनके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को पूरा और जानते हैं स्पीमन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। स्पीमन टैबलेट हिमालया कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसका कोर्स लगभग 3 महीने चलता है। ये दवाई विभिन्न तरीके की बीमारियों जैसे शुक्राणुओं की कमी होना, कामेक्षा की कमी होना, नील शुक्राणु होना, शीघ्र पतन होना जैसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक डब्बी में 60 गोलियां आती है और इसकी कीमत ₹145 है। किसी व्यक्ति में अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो स्पीमन टैबलेट की आवश्यकता है, जैसे कामेक्षा की कमी होना, शुक्राणुओं का कम होना, टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना, नपुंसकता होना, पेनाइल इरेक्शन होना, शीघ्र पतन इत्यादि इसके मुख्य लक्षण हैं। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो अश्वगंधा इसका मुख्य इंग्रेडिएंट है, जो कि मानसिक दुर्बलता, तनाव को दूर करने, यौन शक्ति बढ़ाने में सहायक है और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है कभी कचू। कभी कचू एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमने आपको कॉन्फिडो टैबलेट में भी बताया था। ये नसों को आराम देता है। स्पीमन टैबलेट का तीसरा इंग्रेडिएंट है कोकिलक्षा। कोकिलक्षा हमारे शरीर के यूटीआई इन्फेक्शन को खत्म करने, साथ ही वहां पर सूजन को खत्म करने में सहायक है। दोस्तों, अगला इंग्रेडिएंट है परमिला परलांटा, जिसे सामान्य भाषा के अंदर पत्थर के फूल भी कहा जाता है। ये यौन अंगों को मजबूत बनाने, साथ ही उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं जैसे स्वपन दोष होना या शीघ्र पतन होना, ऐसी बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगला इंग्रेडिएंट है जीवंतकी। जीवंतकी के बारे में आपको कॉन्फिडो टैबलेट में भी बताया गया है। यह मूत्र मार्ग में जलन होना, जनन अंगों के अंदर कोई भी समस्याएं हैं उनको ठीक करने में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अब बात करते हैं स्पीमन टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो सबसे मुख्य जो साइड इफेक्ट है वो अनिद्रा आना, तेज दिल की धड़कन होना, सिर में दर्द होना, असामान्य शारीरिक मूवमेंट होना। अगर इस तरीके का कोई भी लक्षण अगर दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसको लिया कैसे जाए। तो व्यसक में एक एक गोली सुबह और शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लिया जाता है। अगर वृद्ध हैं तो एक गोली दिन में एक बार खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लिया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के अंदर नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।